सिर्फ अपने बच्चे की खातिर, अपने बच्चे की खातिर उसने मुझे उस घर में रखा। कबूल था उसे मेरा उस घर में रहना। अब जब जुनैद को पता चलेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वो क्या हशर करेगा आपका? सोचा है आपने? अबीर, मेरा बच्चा, मालिक मुझे पानी दे। बेटा, मैं अभी तुम्हें पानी नहीं दे सकती, डॉक्टर ने मना किया है। मेरा बच्चा नहीं रहा, हलीमा भी मेरी गोद उजड़ गई। क्या करूं, हलीमा भी मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। जो हमारे लिए बेहतर होता है वही होता है ना। कैसे सब ठीक होगा हलीमा भी? चली जाए अभी आज, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मार दिया ना मेरे बच्चे को आपने, अब सुकून मिल गया? यही चाहती थी ना, मेरा घर बर्बाद करना चाहती थी, मेरी गोद उजाड़ना चाहती थी। अब खुश हैं आप? नहीं अबीर, नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कहो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। झूठ बोल रही हैं आप, आप यही चाहती थी। आपको लगता था कि मेरे बेटे की इस दुनिया में आने से आपकी बच्ची की अहमियत कम ना हो जाए। इंतकाम लिया आपने मुझसे, कातिल हैं आप मेरे बच्चे की भाभी। क्यों ऐसी जालिम बातें कर रही हो? मत अजियत दो मुझे ऐसी बातें करके अमीर। और जो अजियत आपने मुझे दिए, जो आपकी वजह से जुनैद को अजियत होगी, वो सिर्फ अपने बच्चे की खातिर, अपने बच्चे की खातिर उसने मुझे उस घर में रखा। कबूल था उसे मेरा उस घर में रहना। अब जब जुनैद को पता चलेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वो क्या हशर करेगा आपका? सोचा है आपने? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मुझे कभी माफ नहीं करेगा। प्लीज तुम मेरा साथ दो, मेरे बच्चे के लिए मेरा साथ दो। जुनैद से कुछ मत कहना प्लीज, मैंने जानबूझ के नहीं किया अबीर। जुनैद कोई नहीं, अब तो मैं पूरे घर वालों को बताऊंगी। सारे घर वाले मुझे झूठी समझते थे ना, मुझे मक्कार समझते थे। अब मैं आपका मकरू चेहरा सबके सामने लेके आऊंगी। अभी थोड़ा सा तो रहम कर लो मुझ पर। आप पे रहम करूं भाभी, और खुद बेघर हो जाओ? मैं तुम्हें बेघर नहीं होने दूंगी। मैं जुनैद के दिल से सारी गलत फहमियां मिटा दूंगी। बस तुम मेरा साथ दो, मैं वादा करती हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अबीर बेटा, इसकी बात मान लो, इस पे छोड़ देगी, सबको समझा देगी सब कुछ। हाँ, जुनैद तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा, अगर ये उसे समझाएगी तो सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। आप लोग ये क्या कह रहे हैं मुझे करने को? हाँ हाँ अबीर, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं जल्द से जल्द जुनैद का दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ कर दूंगी। सच कह रही हैं दोनों। अच्छा तो मेरे हक में यही है कि मैं खामोश रहूं। बताओ बताओ अबीर, तुम मेरा साथ दोगी ना? अगर आप मुझसे वादा करती हैं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जुनैद वापस से मुझे अपना लेगा, सब गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, तो फिर मैं भी कोशिश करूंगी आप लोगों का साथ देने के लिए। मैं बिल्कुल अपनी बहनों जैसा तुम्हारा साथ दूंगी, ये मेरा वादा है। मेरा बच्चा। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।